नमस्कार। 21 नवंबर 2019 बृहस्पतिवार का दैनिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा, विश्लेषण और जानकारी लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हैं, उपस्थित हैं। चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले हैं, तो वहीं सूर्यदेव 4 अंश की व्यवस्थाओं के साथ वृश्चिक राशि में ही गतिशील हैं। मार्गशीर्ष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तो वहीं राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ हम यहाँ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा पंचम स्थान में आपके लिए जब विराजित रहेंगे इस पूरे दिवस में, अगले दिन जो रात्रि समय अंतराल है वहाँ पर चंद्रमा कन्या में प्रवेश करने वाले होंगे, तो उसके पहले के इस समय में जो भी महानुभाव एजुकेशन के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भले ही वहाँ व्यापारिक स्तर हो या फिर अभी तक समझने का स्तर हो, उन दोनों ही स्थितियों में, भले आप स्टूडेंट लाइफ की तरफ हो या फिर आप लेक्चरशिप आदि के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए एक बेनिफिट की पोजीशन लेकर आता हुआ देखा जा रहा है। जो भी शिक्षा के अंतराल में स्थितियां आपके लिए अटकी हुई थी, कोई भी ऐसा व्यवधान आ रखा था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे था कि उन्होंने हरी झंडी दिखाई तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो यहीं रुक कर रह जाएंगे, वो स्थिति आज आपके लिए क्लैरिटी की ओर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। तो वहीं पे अगर आप प्रोफेसर आदि की पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए स्थान परिवर्तन एक तरह से सुखदायी स्थितियों को लेकर आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी रहेगी चेंजेस की, वो चेंजेस आपके लिए लाभदायक रहेंगे ही रहेंगे। तो कोई भी एरियर आदि के अंदर ऐसा पैसा आपके लिए अटका हुआ था, ये सरकारी नौकरी के लिए भी है, जो भी महानुभाव उससे जुड़े हुए हैं वहाँ पर कोई भी आपका ऐसा रुपया और पैसा अटका हुआ था, वो क्लैरिटी की ओर आसानी से जाता हुआ देखा जा सकता है इस दिवस के अंतराल में। शेयर मार्केट आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभाव आज खुद के लिए तीव्रता महसूस करेंगे। जो भी आपने मॉर्निंग टाइम के अंदर सौदेबाजी की है उसका प्रॉफिट मिड टर्म के अंदर, यानी कि जो मध्य अंतराल है दिन का, वहां पर आता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। व्यापार सर्वप्रथम जो एक एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर लाभ होना चाहिए वो आसानी से मिलता हुआ देखा जाएगा, तो वहीं आप कुछ भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं और किसी रास्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक बिजनेस की पोजीशन सैचुरेशन की ओर बढ़ चुकी है, अब आपने एक नया रास्ता तलाशना शुरू किया है, वहां पर भी ये दिवस अंतराल आपके लिए काफी हद तक बेनिफिट की पोजीशन लेकर आता हुआ देखा जा सकता है। शिक्षा अंतराल के साथ ही अगर आपके बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो कोई भी ऐसे कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर आपके लिए फाइनेंशियल पोजीशंस को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई भी ऐसा लोन वगैरह आपको लेना पड़ सकता है, आज इस स्थिति की ओर आप बढ़ते चले जाइएगा, परेशानी अनुभव करने वाले नहीं रहेंगे आज। भाग्य का सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं हिडन प्रॉब्लम्स उस बूते सताने वाली नहीं है। गृहस्थ जीवन के अंदर जो छोटी मोटी परेशानियां बनी हुई थी आज वो भी सॉल्यूशन की तरफ जाती हुई देखी जा सकती है। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है ये दिवस विशेष आज आपके लिए कोई ऐसे दिक्कतें नहीं लेकर आ रहा है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तब भी आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वृषभ राशि की ओर मैं बढ़ूँ तो सर्वप्रथम किसी भी नई शुरुआत से रुकने का यत्न और प्रयत्न आप जरूर करके चलिएगा। आज चतुर्थ के चंद्रमा है तो कोई भी नई शुरुआत आपको करने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मन मुटाव लंबे समय से चला आ रहा था तो आज उसके सामने विद्रोही प्रवृत्तियों को लेकर जाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, थोड़ा सा खुद को रोकथाम के साथ में चलाने का कार्य आपको यहाँ पर जरूर करना चाहिए। कर्मशीलता के अंदर थोड़ी सी अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां बनी रहेगी। शनिदेव की ढैया अपने अंतिम अंतराल के साथ में आपके लिए चल रही है, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण तौर के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए, जब शनि चंद्रमा नवम पंचम का संबंध बना रहे हों, अष्टम के अंदर शनिदेव विराजमान है आपके लिए, चतुर्थ में चंद्रमा विराजित है आपके लिए, ऐसी पोजिशंस के अंदर कई बार एक नेगेटिविटी ये भी निकल कर आती है कि व्यक्ति जीवन की बीती हुई हिडन प्रॉब्लम्स को फिर से सामने लाने का काम करता है। अवचेतन के साथ में ऐसी स्थितियां कई बार निकल कर आती है जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंसेस को जन्म देने वाली होती है, उस स्तर के ऊपर जरूर आप ध्यान रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो यह दिन
बहुत बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। हृदय रोगी जो भी हैं उनको पहले से परेशानी रही है तो आप ध्यान रखिएगा कि खान पान के ऊपर नियंत्रण रहे, जिससे गैस्ट्रिक ट्रबल आदि कहीं भी उत्पन्न होने की ओर नहीं जा पाए। यात्राएं विशेष लाभ नहीं देने वाली, किंतु मजबूरी के अंदर या फिर मैंडेट अप्रोच के अंदर किसी भी यात्रा की ओर जाना है तो इस दिवस आप शुभ उपासना के साथ में बढ़ने का कार्य जरूर करें, बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। इमूवेबल एसेट कोई भी परचेस करना चाहते हैं या उसका सौदा करना चाहते हैं तब भी आप थोड़ा सा रुकें, आज विचारशील रहें, अगला दिन आपके लिए प्रभावी है, इस दिन को थोड़ा सा आप विराम देकर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ठाक स्थितियाँ बनी रहेंगी। यहाँ पर चर्चा मिथुन राशि की। सर्वप्रथम अगर आप जॉब में परिवर्तन की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशंस के साथ में चल रहे थे और वो फ्रस्ट्रेशंस बार बार आपको परेशान करने का कार्य कर रही थी, बार बार एक मेंटल ब्लॉकेज और मेंटल प्रेशर के साथ में आप खुद को कहीं न कहीं व्यथित करते चले जा रहे थे, ये दिवस विशेष सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आता हुआ देखा जा सकता है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह दिखाई देती है तो वहीं पे आपका पराक्रम अतिरेक के ऊपर बना रहेगा, जो एग्जेजरेट करने वाली पोजीशन होती है, जहां पर व्यक्ति ये महसूस कर पाता है खुद भी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वहां अतिशयोक्तियां जुड़ी हुई है थोड़ी सी, उसको नियंत्रित करने का कार्य आज आप जरूर करें। पराक्रम साथ में है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका व्यर्थ हनन किया जाए। भाग्य का सपोर्ट व्यापारी जनों के लिए और नौकरी पेशा स्तर के ऊपर बना रहेगा पूर्ण रूपेण, वो एक सपोर्टिव अप्रोच आपके लिए देखी जा सकती है। तो वहीं पे भाइयों के साथ में, मित्रों के साथ में किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने की ओर आप अग्रसर होना चाहते हैं, अपनी रफ्तार को और ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए बेहतर बना हुआ है। कोई भी डिसाइसिव अप्रोच की तरफ जाना है बिजनेस पार्टनरशिप में, देखिए बिजनेस पार्टनरशिप में एक स्थिति आपको परेशान कर रही थी, उसने घेर के रखा हुआ था और हमें लग रहा था कि जो प्रॉफिट की हिस्सेदारी है न तो वो हमारे तक बराबर पहुंच पा रही है, न ही काम काज उस रोटेशन के अंदर बराबर चल रहा है। ये स्मृतियों में अक्षुण करके चलने का कार्य कीजिए कि कोई भी निर्णायक प्रगति उस ओर लेकर आनी है तो हम जरूर चलते चले जाएं, कहीं दिक्कत और परेशानी की आवश्यकताएं वहां पर नहीं है। स्वास्थ्य लाभ की ओर अगर रूटीन बॉडी चेकअप आदि के लिए जाना चाहते हैं तब भी यह दिन आपके लिए बेहतर है, ऐसे सारे कार्य क्षेत्रों की ओर जा सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के लिए या फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से फिजिकल फोर्स जहाँ लगानी पड़ती है, ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, ट्रांसपोर्टेशन के कामकाज के साथ में आप लंबे समय से चल रहे हैं और वहीं से अपनी आजीविका को भी लगातार बढ़ा रहे हैं, तब भी ये दिन बेहतर कहा जाएगा, अच्छे सौदों को निर्मित करता हुआ आपके लिए दिखाई दे सकता है, ये बहुत अच्छे से समझकर चलना चाहिए। गृहस्थ में सपोर्टिव अप्रोच बनी रहेगी तो वहीं पे वात संबंधी रोग और नर्व्स संबंधी जो रोग होता है पहले से परेशान किए हुए था तो उसके सॉल्यूशन की ओर जाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, ये याद रखें आप बहुत अच्छे से। कर्क राशि की यहां अगर मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम व्यापारिक स्तर के ऊपर फाइनेंशियल गेन बहुत बेहतर तरीके से देखा जा सकता है आपके लिए। फाइनेंशियल गेन के साथ ही साथ में दूसरी एक और महत्वपूर्ण पोजीशन यहाँ पर निकल कर आती है, वो ये है कि आप ये पाएंगे कि कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी व्यापार चल रहा था, आज भी निर्णयात्मक वृद्धि वहां पर देखी जा सकती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, कम्युनिकेशन इस दिवस के अंदर आपके लिए एक सपोर्टिव एलिमेंट बनकर साथ में खड़ा रहेगा। आपने किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई कमिटमेंट किया, नौकरी के अंदर हो चाहे व्यापारिक गतिविधियों के अंदर हो, किसी व्यक्ति के द्वारा हमको कोई डील फाइनलाइज करने में मदद मिलनी थी जो लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, वहां पर भी वृद्धि आसानी से आपके लिए देखी जा सकती है। जो मानसिक चिंताएं बार बार परेशान किए हुए थी, जो मानसिक व्यग्रताएं आपको बार बार विचलित किए हुए थी, उन सब से मुक्ति पाकर आप चलने वाले रहेंगे आगे, तो वहीं पे कला के क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन बहुत बेहतर कहा जा सकता है। फाइनेंशियल गेन जिसमें कहीं ना कहीं कला के साथ, क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति खुद को इतना मुखर होकर नहीं रख पाता, वहां पे मुखर होने वाली स्थितियां आपके लिए बेहतर तरीके से
बनती हुई देखी जा सकती है, ये भी एक प्रॉफिटेबल अप्रोच है। तो वहीं पे दूसरे लेवल के ऊपर अगर मैं चर्चा करता हूँ तो आप ये पाएंगे कि रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में ये दिन आपके लिए एक लेवल के बेनिफिट लेकर आता हुआ देखा जा सकता है। तो ज़रूर आप विचारशील रहें और एक बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जाएँ। कोई भी नया इनिशिएटिव लेना है उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए बेहतर बना हुआ है। कहीं भी विचलित नहीं हो, चिंतित नहीं हो। सिंह राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आपके लिए आज भी ऊर्जा का अतिरेक बना रहेगा। जिस भी कामकाज की ओर आप बढ़ रहे हैं वहां पे तीव्रगामी अप्रोच आपके लिए रहने वाली है, किंतु ये ध्यान रखिएगा आप कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने की ओर बिल्कुल भी नहीं जाए। ये तो रही एक बात, सूर्य उपासना के साथ में और गायत्री मंत्र की उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की अगर आप शुरुआत करते हैं तब भी आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम मिलते हुए देखे जा सकते हैं। ये स्मृतियों में अक्षुण रख के आपको चलने का कार्य जरूर करना चाहिए। ये तो रही एक बात, गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी क्लैशेज जन्म नहीं ले पाएं या परेशानियां नहीं आए, ये ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कामकाज को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, थोड़ी सी डिप्लोमेसी की सहायता लीजिएगा। थोड़ी सी एक तरह से खुद की पोजीशंस को शांत रखकर चलने का प्रयास जरूर आप करते चले जाइएगा। तो वहीं एक और महत्वपूर्ण बात, शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर जो कमियां बनी हुई थी और आपको किसी भी डेफिशिएंसी को हटाने के लिए प्रॉपर चेकअप की तरफ या फिर आपको स्वास्थ्य लाभ की तरफ जाना है। व्यक्ति स्वास्थ्य में जब एक कमी पाता है तो उसमें लाभ की ओर जाता है और एक मध्यम दर्जे की स्थिति की तरफ पहुंच पाता है, किंतु जब उसका स्वास्थ्य ठीक है और वहां से और अधिक लाभ की तरफ जाता है तो खुद के लिए बेहतर पोजीशंस प्राप्त कर पाता है। ये दिन आपके लिए बना हुआ है कि आप दूसरे स्तर की तरफ जाएं और खुद के लिए फायदा उठाते चले जाएं। ये तो रही एक बात, वहीं पे अगर मैं भाग्य की चर्चा करूं तो भाग्य आज आपके साथ में है। जब व्यक्ति कर्मशील है और भाग्य का सपोर्ट है तो वहां पर समय की गतिविधियां उसके लिए नितांत रूप से सहयोगी सिद्ध होती है और वहीं से व्यक्ति अपने जीवन के पूरे फ्रेम को चेंज कर पाता है। ये दिन आपके लिए बना हुआ है। विदेश संबंधी गतिविधियों में कोई भी यात्रा जुड़ी हुई है, व्यापारिक स्तर के ऊपर आप कहीं भी ऐसी पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी यह दिवस विशेष आपके लिए बेनिफिशियल और बेहतरीन बना हुआ है। निश्चिंत रहकर आप आगे बढ़ते चले जाएं और रोग संबंधी पोजीशंस के साथ में कहीं भी मैं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं देख रहा हूं यहां पर। चर्चा कन्या राशि की ओर अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो सर्वप्रथम आप पाएंगे कि अज्ञात भय से थोड़े बहुत आप ग्रसित रहने वाले हैं। निर्णय अनिर्णय, शनिदेव की ढैया अंतिम अंतराल के साथ में अग्रसर, बृहस्पति जो है शनिदेव के साथ में विराजमान, सूर्यदेव वृश्चिक राशि की पोजिशंस में, यानी कि इस हाउस से 2-12 का संबंध बना हुआ है। 14 दिसंबर के बाद में देवगुरु बृहस्पति अस्तगत हो जाएंगे, उसके पहले की जो ये पोजिशंस है यहां पर निर्णय और अनिर्णय, विचार करना कि मैं इस कार्य को करूं या नहीं करूं, मुझे कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। बार बार हमारे मन के भीतर से जो आवाज आती है जो हमें कंफ्यूज करती है वो पोजीशंस थोड़ी सी बनी रह सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा उस और विचार करना चाहिए। अपने साथ में क्रिस्टल क्लैरिटी की अप्रोच रखें और उसके बाद में बढ़ने का काम करेंगे तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। अनिद्रा संबंधी रोग हल्के फुल्के स्तर पर आपको परेशान करने का कार्य कर सकते हैं, संभल के रहने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। तो एक और महत्वपूर्ण बात की चर्चा यहां पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी भी विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई निर्णय लेने की उहापोह के शिकार थे आप, किंतु आज का ही दिन है जहां हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप प्लस की तरफ जाइएगा, खुद को रोकने की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये स्मृतियों में रखकर चलें। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज जो भी सौदा कर रहे हैं उसे लॉन्गर टर्म के साथ में जोड़ें। इंस्टेंट बेसिस की प्रॉफिटेबल अप्रोच नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य के साथ में जैसा मैंने अनिद्रा बताया, थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी गतिविधियां भी थोड़ा सा परेशान कर सकती है। मसल पेन से आप पहले से ही परेशान हैं तो इसी वजह से कोई और दिक्कत नहीं बढ़े, ये ध्यान रखने की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। तुला राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम लाभ की स्थितियों के साथ में आपके लिए पोजीशंस बेहतर तरीके से निकलकर आती हुई देखी जा सकती है, यानी कि जो आप नौकरी पेशा स्तर के साथ में या फिर बिजनेस के साथ में चल रहे हैं, लंबे समय से मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे,
आज आपने हल्की फुल्की उस स्तर के ऊपर प्रयास करने की क्रियाशीलता को जारी रखा और वहीं से आपके लिए रिजल्ट आने शुरू हो गए। एक पोजीशन तो स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देती है। दूसरे स्तर के ऊपर मैं यहां बात करूं तो आप ये पाएंगे कि क्षमताओं में वृद्धि है। निर्णय लेने के अंदर आपने एकात्मक सोच रखी, खुद के साथ में ही बढ़ने की शुरुआत करके आप चलते चले गए। निर्णय आपके लिए पॉजिटिव आने हैं और बहुत बेहतर फ्रेम में आने हैं। किसी व्यक्ति ने आपको ऑफर दिया है रिसेंट बेसिस के ऊपर कि हम इस काम को भी साथ में शुरू कर सकते हैं, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। ना नौकर के साथ में बिल्कुल मत बढ़िएगा, क्रिस्टल क्लैरिटी उस पोजीशन के साथ में रखिएगा। निर्णय आपके लिए प्रगतिशीलता भरे रहेंगे। तो वहीं पर अगर आप एजुकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, एक कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में प्रोफेसर आदि जाना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूट आपने खोल रखा है, दूसरे इंस्टीट्यूट की प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तब भी शुक्र प्रदान राशि के महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष बहुत बेहतर उम्मीदें लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशन के फील्ड यानी भले ही मार्केटिंग हो गया, रेडियो जॉकी हो गया, इवेंट मैनेजमेंट में आप एंकर आदि के रोल के साथ में जुड़े हुए हैं, पब्लिक रिलेशंस के अंदर जहां आपको बहुत ज़्यादा बोलना रहता है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जहां व्यक्ति को वाक्पटुता की और समझाने की आवश्यकता रहती है, ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर ये क्लैरिटी है कि आपने जो बोला वो लोगों को कन्विंस करने के अंदर बहुत आसानी से प्रभावी सिद्ध होने वाला रहेगा। ये एक स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से यहाँ पर बनती हुई देखी जा सकती है। तो वहीं पे छोटे जो भाई बहन हैं उनको कहीं भी सहयोग की आवश्यकता हो तो आप टटोलिएगा ज़रूर। कई बार व्यक्ति अपने रदम में चलता है, किसी आसपास के व्यक्ति को टटोलने की तरफ जा नहीं पाता, तो वहाँ पर आपको ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि कोई ऐसी गफलत में तो घर परिवार नहीं उलझा हुआ हो, ये ध्यान रखें आप। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर जो प्रबंधन और कर्म है वो दोनों ही साथ में है। आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की, वहाँ मैनेजमेंट भी आपका प्रॉपर रहेगा और उस कामकाज की शुरुआत के अंदर जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन निकल कर आने चाहिए, जो मैन मैनेजमेंट होना चाहिए, वो भी बड़ी ही सिग्निफिकेंट अप्रोच के अंदर आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आपके लिए पिता के साथ में किसी भी कार्य व्यवसाय के एक तरह से स्तर पे आप जुड़े हुए थे और उन्होंने आपको धीरे धीरे इन्वॉल्व करना शुरू किया है। 7.5 का अंतिम मंत्राल है तो इसी वजह से कन्फ्यूजन सब बहुत दूर हट चुके हैं आपके लिए, क्लैरिटी यहाँ पर बनी हुई है आपके लिए। तो आप बहुत क्लैरिटी और एक बहुत स्पष्टता खुद के लिए लेकर चलने का प्रयास करें कि पिता के साथ जिस कामकाज को कर रहे थे वहाँ वृद्धि आसानी से देखी जाएगी। भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण सौदों के हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है, जा सकते हैं। जो भी महानुभाव पित्त संबंधी रोगों से परेशान रहे हैं आज भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, विशेष तौर पर खान पान पर नियंत्रण और जो घूमना फिरना होता है रूटीन बेसिस के ऊपर उसका ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। यात्राएं कोई भी प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं, रिजल्ट आपके बेस के ऊपर सुदृढ़ कहे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। वाहन चलाते समय जिस सावधानी की आवश्यकता होती है, अगर बहुत ज़्यादा लंबे अंतराल की यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अन्यथा स्थितियां ठीक बनी हुई है आपके लिए, कहीं भी परेशान होने की और पशुपेश में फंसने की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाग्य का सपोर्ट बना हुआ है, एडन प्रॉब्लम्स उस स्तर पे नहीं सता रही है। गृहस्थ जीवन को अगर हम आज कम भी समय देते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा समय देते हैं तब भी कोई दिक्कत और परेशानी यहाँ पर निकल कर आती हुई नहीं देखी जा रही है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। तो दूसरे स्तर के ऊपर माता और पिता के साथ में जुड़ाव और जो एक प्रगाढ़ बंधन होता है, उनका जो स्नेह प्राप्त होना होता है वो भी पुरजोर तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। धनु राशि की मैं अगर चर्चा करता हूँ तो सर्वप्रथम भाग्यकालिक स्थितियाँ बनी हुई है, भाग्य बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपके लिए और साथ ही साथ में जो पराक्रम व्यक्ति का बढ़ता चला जाता है वो पराक्रम भी आसानी से बढ़ता हुआ आपके लिए देखा जाएगा ही जाएगा। फिजिकल वेलबींग की तरफ जाना चाहते हैं तब भी यह दिवस आपके लिए बेहद शानदार बना हुआ है। आप अगर हायर एजुकेशन के लिए किसी और शहर की तरफ गंतव्यशील होना चाहते हैं तब भी बृहस्पति प्रदान राशि के महानुभाव उस और आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं, ये जरूर आप याद रखें। जॉब में प्रमोशन की जो संभावनाएं लंबे समय से अटकी हुई थी वो भी भाग्य के सपोर्ट की वजह से क्लैरिटी की ओर जाती हुई देखी जा सकती हैं आपके लिए। तो वहीं पे महत्वाकांक्षाएं
थोड़ा बहुत सताएंगी। महत्वाकांक्षाएं जीवन में कई बार कंपैरिजंस लेकर आती है, तो वहां से थोड़ा सा खुद को ध्यान रखकर और एक तरह से खुद को सावधान करके चलाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। नौकरी पेशा स्तर की मैंने चर्चा की, तो वहीं पे व्यापार में सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है और लंबे समय से आप उसी स्तर के ऊपर चलते चले जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा बहुत बेहतर तरीके से कि ये दिवस अंतराल उन सारे ही कार्यों के साथ आपके लिए खुशखबरी लेकर आता हुआ देखा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ में, टिम्बर या फिर हैंडीक्राफ्ट के साथ में भी आपका जुड़ाव है। कोई भी नवीन सौदा करने से आपको हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। मकर राशि, सर्वप्रथम कोई भी ऐसी स्थिति की ओर नहीं जाएं जहां पर आपको औचक रूप से निर्णय लेने की ओर बाध्यताएं आए। कोई भी ऐसे कामकाज की ओर आपको नहीं जाना चाहिए जहां पे तीव्रगामी तरीके से फाइनेंशियल कैलकुलेशंस चलती है। थोड़ा सा रुक कर चलें, जैसे शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आज खुद की रफ्तार को थामे रहिएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया और साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, यहाँ भी शुरुआत से आपको बचना चाहिए। किंतु एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर जो बाधाएं आ रही थी, आज संध्या समय अंतराल के बाद में वो टलती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि की ओर प्रस्थान करने की स्थितियों में आ चुके होंगे। रात को 12 बजे के बाद का वो समय रहेगा, तो उस लिहाजा ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है कि थोड़ी सी सावधानी के साथ में चलें। कम्युनिकेशन की स्थितियाँ एक लेवल के ऊपर सपोर्टिव तो नहीं कही जा सकती, किंतु किसी व्यक्ति विशेष से हम कोई तकाजा करना चाह रहे थे और ज़ुबान में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, कभी भी हम अपनी ज़ुबान को एक स्टर्न लैंग्वेज की तरफ या स्टर्न अप्रोच की तरफ नहीं लेकर आ पाते, ये दिन वहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बिजनेस डीलिंग को आगे बढ़ाना है और उसके साथ में अपने जीवन की गतिविधियों को जोड़ना है, तब भी ये दिवस विशेष आपके लिए बहुत बेहतर बना हुआ है। चलते चले जाना चाहिए, आपको कहीं भी रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। यहां पर एक बात तो ये रही, कुटुंबी जनों का भी साथ और सहयोग भरपूर तरीके से देखा जाएगा आपके लिए। कुंभ राशि की मैं अगर चर्चा करता हूं तो व्यापारिक श्रेष्ठताएं आपके लिए बनी हुई है, नए सौदे सामने आएंगे, नयापन इस दिवस में बना रहेगा। जो निराशाओं का माहौल बना हुआ था वो धीरे धीरे अपने जीवन से टलता चला जाएगा, तो वहीं पे गृहस्थ का सपोर्ट भरपूर तरीके से बना हुआ है। दूसरे लेवल के ऊपर अगर मैं चर्चा करता हूँ तो विश्वास और आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जोखिम भरा निर्णय लेने से आपको खुद को संकुचित करने से बचना चाहिए, रफ्तार के साथ में आप अग्रगामी रह सकते हैं। कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ पे सीजनल नाम जुड़ा रहता है, यानी कि 2-3 महीने का सीजन है, फिर 3-4 महीने की रेस्टिव अप्रोच रहेगी, उन सारे ही कार्य क्षेत्रों के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय देकर चलना रहेगा। ये भी आप ध्यान में रखकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। नौकरी पेशा स्तर के ऊपर कुछ परिवर्तन और सुखद परिवर्तन सामने आ सकते हैं जो जीवन में श्रेष्ठता देने वाले रहेंगे। फाइनेंशियल कैलकुलेशन के अंदर अगर आपको कर्ज की किसी भी स्थिति ने परेशान कर रखा था, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, आप उस समाधान की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, कुंभ राशि प्रधान महानुभावों के लिए, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि प्रधान महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष बहुत बेहतर कहा जा सकता है। आपको उन सारी स्थितियों के अंदर एक सॉल्यूशन जो कि ये समय चल रहा है इसके साथ आता हुआ दिखाई भी देगा और आप उस ओर आसानी से बढ़ भी पाएंगे, ये जरूर आप याद रखकर चलिएगा। मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। दूसरे स्तर के ऊपर अनिद्रा और अज्ञात भय जैसे रोग थोड़ा बहुत सता सकते हैं। जो भी निर्णय ले रहे हैं आप उसमें एक स्थिरता रखें, एक बार निर्णय ले लिया है तो फिर इस दिवस के साथ में पीछे हटने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा थोड़ी सी अस्थिरता की भावनाएं मन के भीतर बैठी हुई है, उसको कम करने की ओर जाएं। साहित्य क्षेत्र की ओर आप जुड़े हुए हैं, किसी पब्लिशिंग कंपनी के साथ में आप अप्रोच कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पर आपको किसी व्यक्ति विशेष को अप्रोच करना है, कन्विंस करना है, इस दिन को टालने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ऋण देने और लेने से बचें आप इस दिवस के अंतराल के अंदर। शिक्षा के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन मध्यम दर्जे का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा तीव्रता मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये था 21 नवंबर 2019 का दैनिक राशिफल। ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ में समय दर समय हम उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।